अक्सर कैंडिडेट्स फौज में जाने के लिए मोटिवेशन ढूंढते हैं, वो एक रीजन ढूंढते हैं कि क्यों फौज की वर्दी पहना जाए, क्यों एक कमीशन्ड ऑफिसर बना जाए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी उसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो फौज में जाने की मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं बात करूंगा उन किताबों की जिसको पढ़ के आपको गूज़बम्स आ जाएंगे, जिसको पढ़ के आप फौज की वर्दी के लिए पागल हो जाएंगे, जिसको पढ़ के आप अपने आप से कसम खा लेंगे कि जाना है तो सिर्फ फौज में जाना है और एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में जाना है। तो पहली ऐसी किताब है, उस किताब का नाम है द ब्रेव। द ब्रेव उन सैनिकों और उन अफसरों की कहानी है जिनको भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिला। डिफेंस एस्पिरेंट्स अपने आप में एक खुली इंसाइट देती है उन सैनिकों के जीवन की, उन कमीशन्ड ऑफिसरों के जीवन की जिन्हें परमवीर चक्र मिला। ये छोटी छोटी कहानियाँ उन सैनिकों की, उन अफसरों की हैं जब वो फौज से पहले एक आम आदमी थे और कैसे वो कार्य अलग अलग करते थे। द ब्रेव उन महान योद्धाओं की कहानी है जिसको आज पूरा देश सलामी ठोकता है। चलिए दूसरी किताब की बात करते हैं, बॉर्न टू फ्लाई, एक फाइटर पायलट की कहानी। फाइटर पायलट अनिल कुमार, जिन्होंने बचपन से ही भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का सपना रखा था, कैसे वो एक आम आदमी से फाइटर पायलट बने, कैसे फाइटर पायलट के बाद उनका प्लेन क्रैश हुआ और वो एक्सीडेंट के चलते पैरालाइज्ड हो गए। डिफेंस एस्पिरेंट्स ये एक महान योद्धा की कहानी है जो मोटिवेशन देता है, जो एक सीख देता है कि पैशन होना चाहिए चीज़ों के लिए, एक जिद होनी चाहिए चीज़ों के लिए। कहा यह जाता है कि फाइटर पायलट अनिल कुमार स्टीफन हॉकिंग्स हैं भारत के, भारतीय वायुसेना ने इनको ये टाइटल दिया है, स्टीफन हॉकिंग्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो अगर आप भारतीय वायुसेना की वर्दी पसंद करते हैं तो बॉर्न टू फ्लाई पढ़ना ना भूलिएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा से पूछा करते थे कि सर एनडीए की लाइफ कैसी है, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की लाइफ जानना चाहते हैं तो 14 पन्ने की एक किताब जो कि कर्नल अहमद शाह ने लिखी है, लाइफ इन एनडीए, ये बहुत ही अच्छी पतली किताब है और ये किताब आपको पूरी तरीके से बताएगी कि कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज़िंदगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जिस किताब का नाम ले रहा हूँ वो किताब एक एयरफोर्स कैरेक्टर मैक की है। मैक असल में भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल से रिटायर हुए थे, पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी गए, फिर एयरफोर्स एकेडमी गए, फिर एक फाइटर पायलट बने, स्क्वाड्रन के इंचार्ज बने और उनको फिर इंटरनेशनल पोस्टिंग मिली और इराक के पायलट्स को उन्होंने ट्रेन किया। मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस एस्पिरेंट्स विंग्स ऑफ जॉय की, एक ऐसी किताब जो अपने आप में पूरे इंसाइट्स देती है एयरफोर्स की जर्नी के बारे में। एक आखिरी किताब में जो हर एक एस्पिरेंट को बोलूँगा, योद्धाओं की कहानी, इंडियाज मोस्ट फियरलेस स्टोरीज, ये उन सैनिकों की, उन कर्नलों की कहानी है जो असल में आज जीवित हैं, फौज में सर्व कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी जान की चिंता ना करते हुए अपनी यूनिट का, अपनी वर्दी का नमक अदा किया, ना ही नमक अदा किया बल्कि आज वो पूरे हिंदुस्तानियों के लिए रोल मॉडल हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स आज इस छोटी सी सीरीज के द्वारा मैंने कोशिश की है, पूरी टीम त्रिशूल ने कोशिश की है कि आपके अंदर पैट्रियोटिज्म जागे, आपके अंदर खुद से इच्छा जागे देश की सेवा करने की, क्योंकि कहते हैं ना देश सेवा परमो धर्मा, परम धर्म जो है वो देश की सेवा है। अगर आप भी उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में हैं जिनके अंदर देश सेवा करने के लिए, देश के लिए कुछ करने के लिए जज्बा है, जोश है, बस डायरेक्शन को ढूंढ रहे हैं, तो डिफेंस एस्पिरेंट्स आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिसेज में आएं और अपनी करियर काउंसलिंग कराएं। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।